गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं परमेश्वर योगी और आप मेरे साथ बने हुए हैं टू डे वीडियो व्लॉग में। आज की मॉर्निंग की शुरुआत मॉर्निंग वॉक से करते हैं, तो चलिए आज का दिन आप सभी का शुभ हो। इसी के साथ मंगल कामनाओं के साथ यहां से ये है हमारे नारायणगिरी रेस्ट हाउस जहां हमें रूम मिला था। आज टूर का सेकेंड डे है। ये बात क्या नाम की केबिन है? अमरेश्वर राव। आज की कॉफ़ी के बाद में हम आपको लेकर चलेंगे इस नारायणगिरी रेस्ट हाउस के टॉप फ्लोर पर, जहां से बाहर की वादियों का सीन आपको हम दिखाएंगे। बहुत ही मनोरम और देखने लायक जगह है। ये देखिए, कश्मीर से कम नहीं है, बहुत ही ज़ोरदार और शानदार नज़ारा है। आप देख के मन विभोर हो जाएगा, तो देखिए आनंद लीजिए प्रकृति का। तिरुपति बालाजी तिरुमाला में ये ऊपर का नज़ारा है। ऊपर से नज़ारा बहुत ही शानदार था। उसके बाद में चलिए मुकेश सड़क पर। यहाँ पर देखिए कितनी साफ़ सफाई और चमकते हुए रोड है, और फुटपाथ भी एकदम कंप्लीट साफ सफाई के साथ में सर्कल वगैरह, बीच में डिवाइडर फूलों से बाग बगीचे से लदे हुए हैं। बड़े बड़े पेड़ हैं। और नीचे देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी, साफ़ सफाई में अव्वल और एक नंबर लोकेशन है। यहाँ पर पतझड़ का मौसम है, फिर भी आपको रोड पे कहीं भी एक पत्ता गिरा हुआ नहीं मिलेगा। देखिए, और ये जो सामने बस खड़ी है, ये तिरुमाला में ऊपर भ्रमण करने के लिए मंदिर की ट्रस्ट की ओर से चलने वाली फ्री बस है, जिसमें आप जहाँ चाहे अपनी इच्छा हो बैठ सकते हैं, जहाँ चाहे उतर सकते हैं, कोई किराए भाड़ा नहीं है। उसके बाद ये सामने देखिए तिरुमाला, तिरुपति बालाजी के ट्रस्ट से संबंधित म्यूजियम बना हुआ है, लेकिन आज संडे तो हम वहाँ नहीं जा पाए। वो पैर कर, वो बोल रहा था, देखो कभी मेरे को गोविंदा बोलता है, उसका कितना भी दुख रहो, कितना भी कष्ट हो, सब मैं क्लियर कर दूंगा। उसके लिए 100 बार करो, 1000 बार करो, कितना बार करने का। गोविंदा 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 गोविंदा। टैक्सी भैया? नो। चला लिया। मंदिर कितना अंदर है? मंदिर ईश्वर मंदिर। ये गेट बना हुआ, ये मंदिर यही है? गणपति मंदिर। रूम से गणपति है, ईश्वर मंदिर। अच्छा, मंदिर है। किसका मंदिर है? विघ्नेश्वर गणपति बाबा। गणपति बाबा। अच्छा, गणपति बाबा बोले तो हमारे तेलुगु में विघ्नेश्वर विनायक। हमारे उधर गणपति बाबा बोलते। चलो बाबा के दर्शन करके आते हैं। चलिए अंदर। इसके आगे गणेश जी महाराज का मंदिर है, लेकिन पता चला आज वो बंद है। इस दीवार के अंदर मंदिर बना हुआ है, काफ़ी चर्चित और अच्छा मंदिर है। उसके बाद में चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ फास्ट फूड के कैंटीन पर, जहाँ पर लोग बड़े चाव से चाय नाश्ता कर रहे हैं। आप भी देखिए। उसके बाद हम यहाँ से हम भी जा रहे हैं पैदल चलते चलते। समय लगभग अब 10:30 बज चुका है, और 1 बजे हमको रूम चेकआउट करना है। तो हम भी भोजन प्रसाद करने के लिए तिरुपति ट्रस्ट की ओर से संचालित भोजनालय में आ गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये एक हॉल है जिसमें 2000 लोगों के बैठक की व्यवस्था है। इसमें 1000 लोग खाना जिम रहे हैं, और 1000 लोगों के लिए अभी पत्थर लगी हुई है। आज के खाने में चावल, नारियल की चटनी और सांभर अवेलेबल है। उसके बाद में हम निकलेंगे ऊपर तिरुमाला से तिरुपति के लिए, जहाँ से हमको शाम को ट्रेन पकड़नी है। तो चलिए, ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता अलग है, और वापस नीचे उतरने के लिए रास्ता अलग है। दोनों रास्तों का अपना अपना अलग ही अंदाज और अलग ही ज़ोरदार लोकेशन देखने लायक हैं। तो आप भी आनंद लीजिए, बहुत ही ज़ोरदार और अच्छी जगह है।
ये सड़कें, ये वादियाँ कश्मीर के नज़ारे से कम नहीं है, आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, ये जंगल के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, उसके बाद में आगे पहाड़ से ऑटोमेटिक पानी निकल रहा है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये देखिए, पत्थरों से ऑटोमेटिक पानी बह रहा है, जबकि पतझड़ का मौसम है, तो बारिश के मौसम में कैसा नज़ारा होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही शानदार और मनोरम नज़ारा। श्री वेंकटेश्वरा जियोलॉजिकल पार्क तिरुपति, जो तिरुमाला से नीचे उतरते वक्त घाट के बीच में आता है, जो पूरे एक जंगल को कवर करते हुए, ये देखिए हिरण यहाँ पर घास चरते हुए। इसी रास्ते पर बहुत ही शानदार और बहुत ऊंचा एक वाटरफॉल आने वाला है, जिसे ये देखिए बहुत ही ऊंचा झरना है। अभी बारिश नहीं होने की वजह से बंद है, बाकी बारिश में बहुत ज़ोरदार और देखने लायक होता है। ये देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, पीले पीले पत्थरों से प्राचीरों को काट कर ये रास्ता बनाया गया है, जिसे आप देख अनुमान लगा सकते हैं भी कितना ज़ोरदार है। ये देखिए, जहाँ से हमने तिरुपति बालाजी दर्शन यात्रा का फर्स्ट पार्ट की शुरुआत की थी, हम वहीं पहुँच चुके हैं। ये देखिए, भगवान श्री विष्णु के गरुड़ अवतार की प्रतिमा मुख्य सर्कल पर लगी हुई है। तो आपने देखा होगा मेरा वीडियो फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको तिरुपति बालाजी के ऊपर चढ़ने वाले रास्ते का पूरा दृश्य के साथ वहाँ पर किस तरह से दर्शन होते हैं, कैसे लाइन में लगना पड़ता है और कैसा मंदिर है, आपको दर्शन करवाए थे। नहीं देखा हो तो आप फर्स्ट पार्ट के नाम से मेरा तिरुपति बालाजी दर्शन के नाम से वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पर। अभी गाड़ी एक रेस्टोरेंट पर रुकी है, जहाँ पर हमने इडली सांभर वड़ा वगैरह अवेलेबल है, तो हमने इडली डोसा। अच्छा, इडली डोसा खाते तुम लोग, आ जाओ, कोई बात नहीं, इधर नाश्ते में इडली डोसा ही मिलता है और कुछ ऑप्शन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इडली डोसा ही मिलता है, केले के पत्ते में इडली डोसा, और यहाँ पर आप जैसा खिचड़ी विचड़ी खाना चाहो तो यहाँ पे नहीं मिल सकता, यहाँ पे यहाँ का फेमस है साउथ इंडियन। इस संपूर्ण तिरुपति बालाजी यात्रा के साथ आज के इस वीडियो का हम संपूर्ण करेंगे। मैं हूं परमेश्वर योगी और अभी हम रवाना हो रहे हैं बस से, फिर पहुंचेंगे रेलवे स्टेशन, वहां से हमारा शाम को टिकट है जो सीधा हमें पहुंचाएगी कोटा जंक्शन पर। तो मैं हूं परमेश्वर योगी, मेरा यूट्यूब चैनल है टुडे वीडियो व्लॉग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।